हिंदी में बोल रहे तेल, कम से कम 100 ग्राम के आसपास। ठीक, अब ये तेल हो गया, जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज डालेंगे। फिर कितनी है? 1 किलो चिकन में 1 किलो चिकन में कितनी आपने ली थी? नहीं, आधा किलो नहीं, 6-7 के आसपास। 6-7 प्याज, 1 किलो चिकन का। ठीक है, तेल लंबा, गरम होगा तो इसमें डाल देंगे। हाँ, लंबा वीडियो बनेगा लगता है, जल जाए तब डालने का इसमें। पहले प्याज डाल दो, प्याज को गोल्डन कर देना। हाँ, एकदम गोल्डन, मतलब मीडियम गोल्डन। मीडियम गोल्डन। इसको महीन महीन काटते हैं। हरी मिर्ची कितनी काट देंगे? 6-7 मिर्ची। 6-7 को अच्छे से वॉश कर लेंगे पानी में। टमाटर कितना है? टमाटर 7-8 टमाटर बारीक कटा हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट, मीडियम साइज का। जीरा भी चाहिए, कैसा? मीडियम तीखा बनाने का या हल्का? मीडियम। महीन काट के ना थोड़ा खट्टा पट्टा, ये थोड़ी मोटी हो गई। हाँ, आपका गरम मसाला है, ज़्यादा नहीं, तेज पत्ता। एक 5 रुपये का पैकेट आता है, वो भी लेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा। तो मिर्ची कभी डालेंगे भी? मिर्ची सब डालेंगे, अभी रुक के डालेंगे। प्याज को थोड़ा, हाँ प्याज को थोड़ा टाइम लग रहा है, समझो थोड़ा गुलाबी हुआ है हल्का। हाँ। सा तब इसमें हरी मिर्च, हरी मिर्च, जीरा और थोड़ा सा गरम मसाला, पत्ता गरम मसाला, एकदम नॉर्मल, ज़्यादा नहीं। हाँ, डाल दिया, कम से कम 5 रुपये वाला पूड़ी आता है वो डाल दिया, ये हरी मिर्च पूरा डाल दिया। जब तक एकदम गुलाबी नहीं हो जाएगा ना, तो जब तक इसमें कुछ नहीं करने का। अब थोड़ा गुलाबी होने दो प्याज को। कितने देर में गुलाबी होएगा? 2 मिनट। हाँ, 1 से 2 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद क्या डालेंगे? उसके बाद टमाटर डालेंगे, पेस्ट डालेंगे। अच्छा। पहले पेस्ट डालेंगे, अदरक लहसुन का, मतलब 2 लहसुन, थोड़ी अदरक, उसका पेस्ट, 1 किलो चिकन में। मटन रहेगा तो उसमें भी ऐसे, उसको मटन में बना सकते हैं ना। हाँ, अभी हो गया, अभी हल्का सा गुलाबी और करने का, हल्का सा। हाँ, लगभग हो गया है, अभी थोड़ा सा और 20-30 सेकंड और करने का इसे। अभी लगभग गुलाबी हो गया, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे? डाल सकते हैं अभी अदरक लहसुन का पेस्ट। हाँ, फ्रेश लेना है ना? फ्रेश एकदम, ठीक है। सब डाल दो चम्मच, पेस्ट डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। कम से कम 1-2 मिनट पेस्ट को थोड़ा खोलने देने का, अच्छे से मिक्स करके। देखो एकदम लाल हो गया एकदम, नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है। और जब बनेगा तो आपको फिर तेल दिखाएंगे हम इसमें कितना उतरेगा, ठीक। तेल फूटने लगा है। हाँ, तेल फूटने लगा है, पकड़ने लगा है। इसमें टमाटर डाल देंगे, टमाटर जितना भी है, टमाटर 7-8 टमाटर है, छोटे छोटे मीडियम साइज।
ये डाल दिए। टमाटर जब तक एकदम पेस्ट नहीं बन जाएगा, हाँ गल के एकदम पेस्ट बनना है, फास्ट पकाने में ना। हाँ फास्ट पे, स्लो नहीं करेगा। इसके अंदर क्या क्या डालेंगे? हल्दी कितना चम्मच? अभी बता रहे हैं आपके सामने, एक चम्मच। एक चम्मच भर के? हाँ, और थोड़ा और आधा, ठीक है, डेढ़ चम्मच। डेढ़ चम्मच, हाँ डेढ़ चम्मच हल्दी। मीडियम मीडियम खाने का तो एक चम्मच। एक चम्मच, हाँ तीखा खाना है तो दो चम्मच। हाँ तीखा खाने का डेढ़ दो चम्मच डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ हम जोड़ते हैं, इसके साथ में गरम मसाला पाउडर, गरम मसाले का पाउडर, घर का भी यूज कर सकते हैं, गरम मसाला घर का भी यूज कर सकते हैं, पैकेट वाला। मुझे लगभग एक चम्मच ही है, एक चम्मच। हाँ फिलहाल तो ये अर्जेंट में बाहर से मंगा के लिया है, घर का यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, घर का सबसे अच्छा रहेगा। नमक का भी डालेंगे? नमक भी डालेंगे इसी में, डेढ़ से दो चम्मच डाल सकते हैं बाद में। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, कम ज़्यादा जो ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा, कम चाहिए तो कम, आप उतना ले सकते हैं। अपने हिसाब से दो चम्मच डाल लें, चिकन के अकॉर्डिंग डेढ़ चम्मच नमक, हाँ डेढ़ से दो चम्मच डाल सकते हैं, दो चम्मच तो जाएगा। बाद में बनने के बाद थोड़ा चेक कर लें, हाँ चेक कर सकते हैं आपने। टमाटर, हाँ अभी टमाटर को थोड़ा चला दीजिए, टमाटर पक जाएगा ना तो हाँ। उसको ऐसा फोड़ लीजिए, ठीक है, तो पूरा भरता बन जाएगा, हाँ ऐसा लगे कि आपको पूरा भरता बन गया है, तब जो है फिर गरम मसाला डालेंगे। अभी तो पानी नहीं जाएगा ना, हाँ पूरा इसको पानी नहीं अभी कुछ भी डालना है, जब तक ये टमाटर जो है पूरा पेस्ट नहीं बन जाता है तब तक का पकाना है। हमारा चम्मच नहीं है, समझो आधे से ज़्यादा पक चुका है, हाँ तो थोड़ा सिलो गैस करके टमाटर को पूरा फोल्ड लीजिए। अच्छा टमाटर पूरा मतलब, हाँ मतलब मिक्स कर लीजिए, एकदम पेस्ट बन जाए। ठीक है, ये जो मोटा मोटा सा है टमाटर, पहले थोड़ा मोटा कट गया टमाटर, महीन काट लीजिए थोड़ा, सिलो करके थोड़ा टमाटर को मिक्स एकदम अच्छे से पेस्ट बना देना। जो मसाला पाउडर था, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक पाउडर में पानी, पेस्ट बनाना ना, पेस्ट बना के मिक्स कर लीजिए पूरा। इसमें डाल देने का और थोड़ा और पानी देने का, एक कप पानी दे के, एक कप पानी, थोड़ा सा और दे पानी, और पानी, और पानी, ठीक नेक्स्ट रेसिपी क्या है? ये डल गया, अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, हाँ एकदम अच्छे से। अदरक इसमें पानी नहीं ऐड करना, अब इसमें पानी नहीं डालना अभी तक, नहीं अभी नहीं। अच्छा
नीचे लगे नहीं है, नीचे लगे। हाँ। लगे बीच में। मसाला भून चुका है, मसाला भून दिया ना। हाँ, खाजा का अभी को मतलब 5 से 7 मिनट तक मसाला भूनने के बाद एकदम थोड़ा सा हल्का सा तेल तेल देखो दिख रहा है ना, दिख रहा है नहीं। अभी और आएगा तेल, 5 से 7 मिनट तक इसको मसाले भून के चिकन डाल सकती है। तो ये 1 किलो चिकन है, इसको अच्छे से पानी में वॉश करके मसाले में भी ऐड करके एकदम अच्छे से पानी से धो के साफ करके चिकन जो है इसमें इसका में हड्डी वाले में भी बना सकते हैं, चिकन हो या मटन ऐसे सेम बनाएंगे। और आपको अगर मीडियम रस्सा रखने का तो मीडियम। अभी पानी बाद में डालेंगे इसमें, थोड़ा रस्सा रखने का है तो आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से। कम ग्रेवी में अगर बनाने का है तो इसमें भी भून सकते हैं, भून सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को ग्रेवी चाहिए, थोड़ा इसमें पानी भी ऐड करेंगे। अभी ये बन गई रेसिपी, बनने में कितना मतलब टाइम लगता है? लगभग आधा। सब चीज़ रेडी रहेगा लगभग। हाँ, काट के रखेंगे, काट के रखेंगे। कम से कम 25 मिनट से लेकर आधा घंटा, आधा घंटा जब एकदम सब तैयार रहेगा तब थोड़ा पानी देंगे, ऐड करेंगे। अब जो है इसी में भुनेगा पहले, इसी में भुनेगा चिकन, थोड़ा पकने बॉयल होएगा। अब इसको ढक सकते हैं चला के, चला के जब तक कितना देर पकाने से भी, जब तक इसका पानी नहीं सूखता, जब तक एकदम सुखाने का इसका सुखाने मालूम पड़ जाएगा, तेल तेल ऊपर छोड़ेगा पूरा, तो पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। हाँ, ये ग्रेवी सब सूख जाएगी, एकदम तेल छोड़ देगा अपने आप जब, जब तक इसको थोड़ा बीच बीच में चलाते रहेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से, बाबा कम ज़्यादा ऐड कर दें। ओके, तो अभी नमक बराबर है लगभग? हाँ, मस्त एकदम नमक सही है अभी, सही नमक। हाँ, और मसाला भी लगभग थोड़ा बहुत भून चुका है, भून चुका है। तो अभी ढककर ढक अभी इसको ढक देते हैं, ढककर तकरीबन 10 मिनट तो पकेगा आराम से ना, 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट बीच बीच में चलाते रहने में मिक्स करेंगे ताकि नीचे से मसाला जले ना। तो हम मिलते हैं 10 मिनट। हाँ, 15 मिनट हो गए, इसको और पूरा मसाला भूनना अच्छे से, लगभग हो गया, थोड़ा और भूनना है, थोड़ा और 5 मिनट है। इसे पकड़े नहीं, ढक्कन ढाकेंगे तो उसको बीच बीच में चलाते जाइए आप, तो जल जाएगा। तेज की तरी अभी नहीं आई, अभी 5 मिनट और लगेगा, मतलब आ गई है, थोड़ी बाकी है। पानी ऐड करेंगे जितना ग्रेवी चाहिए, जितना आपको पानी ऐड करना है, एकदम बन चुका है, बन चुका है एकदम तैयार हो गया। अब आप जितना इसमें पानी यूज करने का है उतना ले सकते हैं, सारे पानी इसके अंदर, एक से डेढ़ चम्मच एक डाला एक, आपने एक कप ये, अभी अगर कम लगे तो और डाल सकते हैं, और डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पानी डालने के इसको पकाना है भी नहीं ना, नहीं ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट आधा का। हाँ, अभी इतना भी नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, बस ज़्यादा पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अगर चावल के साथ खाने का तो फिर पतला कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। यहाँ पे हमने भी 1.5 कप
पानी ऐड किया उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अदरक हो जाएगी इसमें खोल जाएगा, ये 5 मिनट इसे रख के छोड़ दीजिए, फिर तैयार। अभी ढक्कन ढक देंगे कि कैसे पक जाएगा ये चिकन कोरमा तैयार। चिकन कोरमा तैयार, लास्ट में इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे। तो 5 मिनट के बाद देखते हैं इसका सालन कैसा बनकर रेडी होता है। ढक्कन नहीं भी ढकेंगे तो भी 5 मिनट में कुक हो जाएगा, क्योंकि चिकन तो ऑलरेडी कुक हो ही गया है। तो 5 मिनट के बाद देखते हैं। तो अभी यहाँ पर चिकन कोरमा रेडी हो गया है ना, तैयार हो गया। अब इसमें जो है कोथमीर डाल के बारीक कटी कोथमीर ऐड करेंगे। अभी गैस बंद कर सकते हैं, गैस बंद कर देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए, थोड़ा ठंडा होने के बाद हल्का सा बारीक कटी कोथमीर। चिकन कोरमा यहाँ पर रेडी है। अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आपको कौन सी रेसिपी देखनी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी ग्रेवी कितनी ठीक है। ये देखिए, राइस के साथ सर्व करिए, रोटी के साथ, आपकी अपनी चॉइस। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एकदम गाढ़ी है, एकदम चाहते तो बहुत पतला भी कर सकते थे इसको। अगर आपको थोड़ा पतला करना है तो थोड़ा पतला कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पतला मत करिए, ऐसे ही अच्छा लगेगा। चावल से खाएंगे तो और पतला कर सकते हैं, चावल से खाएंगे तो और पतला कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी। तो मैं आपको खाकर भी बताऊंगी कि खाने में कैसा है, टेस्ट करके ज़रूर बताऊंगी। आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी देखनी वो भी ज़रूर बताइए कमेंट करके। हाँ। तो वो भी हम लोग इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे, जो आपको पसंद है वो भी हम बना के आपको दिखाएंगे। बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में। ये जो आपका है चिकन कोरमा रेडी हो गया, एकदम रेडी हो गया। अभी इसका टेस्ट लीजिए और बताइए खा के फलक। ठीक है, तो चिकन कोरमा यहाँ पर रेडी हो गया है। अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको और भी कोई रेसिपी देखनी है तो ज़रूर बताइएगा, हम लोग वो रेसिपी भी इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मम्मी को पूछिए कैसा टेस्ट। अच्छा है, एकदम बढ़िया बना है। देखिए एकदम ताकत नहीं लगाना पड़ रही है तोड़ने में भी, चिकन भी अच्छे से कुक हो गया है। हाँ एकदम, ये देखिए, ये देखिए आप देख सकते हैं मछली के जैसा हो गया है, मछली के जैसा हो गया है। अब आप लोग जो है थोड़ा लाइक कीजिए, दूसरा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको कौन सी रेसिपी देखनी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर हम लखनऊ से वीडियो भेजेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी देखनी है, तो हम लोग वो भी इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे।